दोस्तों, आज के दिन 36 साल पहले यानी 27 मार्च 1987 को रिलीज हुई थी फिल्म हुकूमत, जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। तो चलिए आज इस फिल्म और फिल्म से जुड़े निर्देशक और एक्टर के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के हीरो वेटरन एक्टर हीमेन धर्मेंद्र की। ये वो दौर था जब धर्मेंद्र रोमांटिक ड्रामा जेनर को छोड़कर एक्शन जेनर में आ गए थे और जम के एक्शन फिल्म कर रहे थे। अनिल शर्मा और धर्मेंद्र का यह पहला कॉम्बिनेशन था जो काम कर गया और लोगों को ये एक्टर डायरेक्टर की जोड़ी भा गई। इसी फिल्म से अनिल शर्मा ने अपने फिल्मों में देशभक्ति और एक्शन का तड़का डालना शुरू किया था। रिलीज़ होते ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की और उस वर्ष की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। दर्शकों का उस फिल्म के प्रति इतना क्रेज़ था कि मानो वो धर्मेंद्र को एक्शन करते देख 70mm का पर्दा फाड़ देते। सदाशिव अमरपुरकर का नेगेटिव रोल काफ़ी खूंखार था और इस फिल्म में उन्हें बड़ी सफलता मिली और वो आगे चलकर धर्मेंद्र के साथ कई फिल्मों में दिखाई दिए। इस फिल्म के बाद अनिल शर्मा ने अपने सभी फिल्मों में दियोल फैमिली से कोई न कोई एक्टर को अपने फिल्म में का हीरो ज़रूर बनाते हैं, जैसे ऐलान जंग, फरिश्ते, तहलका, गदर, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों, अपने, सिंह साहब द ग्रेट और अभी गदर 2। इनमें से सभी फिल्में हिट हुई और गदर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म से पहले अनिल शर्मा सामाजिक फिल्में बनाते थे, जैसे श्रद्धांजलि, बंधन कच्चे धागों का आदि, और ये उनकी पहली एक्शन फिल्म थी जिसको बनाने में 3 साल लग गए थे क्योंकि इस फिल्म की घोषणा 1984 में ही कर दिया गया था। इस फिल्म में 55 मिनट 45 सेकंड पर जो परवीन कुमार सोबती के साथ धर्मेंद्र का फाइट सीक्वेंस रखा गया था वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ था और आज भी यूट्यूब पर वो सीन बार बार देखा जाता है और यह रोंगटे खड़े करने वाली सीन धर्मेंद्र ने खुद परफॉर्म किया था। साल 2014 में सनी देओल ने हुकूमत का रीमेक राइट्स खरीदे थे पर किन्हीं कारणों से वो उस फिल्म का रीमेक नहीं बना पाए। इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र अपने पहले वाले पोजीशन पर वापस लौट आए थे जिसके लिए वे जाने जाते थे, क्योंकि इस फिल्म से पहले उनकी सारी फिल्में कुछ खासा कमाल नहीं कर पा रहे थे और साल 1987 में जितनी भी फिल्में रिलीज हुई थी उनकी कमाई हुकूमत से कम थी।